हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं एक कॉम्पैक्ट पाउडर का डेमो करने वाली हूँ और इस वक्त मैंने सीसी क्रीम लगाई हुई है और प्राइमर भी अप्लाई किया था एंड उससे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था। सो ओवरऑल कंप्लीट बेस मेकअप कंप्लीट हो गया है, बट मैंने ये पाउडर फाउंडेशन नहीं लगाया है। सो ये पाउडर प्लस फाउंडेशन जो है ये मैक स्टूडियो फिक्स है और इसका मैंने रिव्यू किया था, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। और आई थिंक मैंने इसका कंपैरिजन रिव्यू भी किया है, आई थिंक सो, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसे अब मैं फेस पर अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ एंड ये आप देख लीजिए इसकी कंडीशन, ये ऑलमोस्ट फिनिश होने को है। वेट अ मिनट, यू कैन सी ये किनारे किनारे रह गया है बस। तो अब मुझे रीपर्चेज करना है, डेफिनेटली रीपर्चेज करना है। एंड माई शेड इज़ NC40, यू कैन सी हियर, ये है NC40 जो यहाँ पर लिखा हुआ है और सिर्फ 15 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी है एंड 15 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी भले ही है, लेकिन ऑलमोस्ट आई थिंक एक साल होने आ रहा है इसको। और इसको मैंने बहुत इस्तेमाल किया है, ऑलमोस्ट एवरी डे, पार्टी वार्टी में भी और हर जगह। जब मुझे बहुत अच्छा सा फ्लॉलेस कवरेज चाहिए होती है तो मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ। तो अब मैं इसके बारे में बातें ना करते हुए इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी और इसको जब रीपर्चेज़ करूँगी तो डेफ़िनेटली वो पैकिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। और इसका प्राइस पहले 2500 रुपये था, अभी ये 2700 रुपये का हो गया है, ये नए प्राइस में आने लगा है। सो मुझे पहले ये साइड से ना हल्का सा हटाना पड़ता है, उसके बाद इस तरीके से अप्लाई करती हूँ मैं। एंड अब मैं अप्लाई कर रही हूँ इसको और आप ये देखेंगे इसकी कवरेज। और ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट शेड है क्योंकि ना ये येलो स्किन टोन के लिए है और मुझे येलो स्किन टोन वाला ही चाहिए था। एंड NC40 इज़ जस्ट वाओ फॉर मी। और मुझे नहीं पता आपको कौन सा शेड जाएगा क्योंकि इसमें शेड्स आते हैं, आई थिंक 38 या 39 शेड्स आते हैं। और मुझे जब कवरेज चाहिए होती है तो मैं इसको इसी तरीके से अप्लाई करती हूँ, सिंपली और कुछ नहीं। और अगर आप कोई हल्का सा सीसी या बीबी क्रीम भी लगा रहे हो, उस पर भी आपको अगर अच्छी कवरेज चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको कोई फाउंडेशन की लेयर नहीं लगानी है, तो आप इसे सिंपल तरीके से इस तरीके से डैब करके अप्लाई कीजिए। आप इसे ब्रश की सहायता से भी अप्लाई कर सकती हैं, आपको अगर मिनिमम कवरेज चाहिए। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी कवरेज चाहिए तो आप इसको फिर स्पॉन्ज से ही इस्तेमाल करें, स्पॉन्ज से बहुत ही अच्छा सा ये कवरेज मिलती है इससे। और ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अगर मुझसे ये पूछें कि मैं इसको क्या हमेशा परचेज़ करना चाहूँगी, तो इसका अगर मुझे कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा जब तक, तो मैं इसे हमेशा ख़रीदना चाहूँगी। बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है दोस्तों, 2700 रुपीज़ यानी कि 2700 रुपये का है। लेकिन एक चीज़ है, 2700 रुपीज़ का है ये, लेकिन ये चलता बहुत है। प्लस जब आप इसको लगा लोगे ना तो आपको कोई भी कॉम्पैक्ट, कोई पाउडर फाउंडेशन समझ ही नहीं आएगा, दिमाग में ही नहीं चढ़ेगा, क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग है वो आप भूलेंगे ही नहीं। आई डोंट नो वाई, बट दिस इज़ जस्ट मैजिकल प्रोडक्ट, आई जस्ट लव दिस। और ये मैंने अप्लाई कर लिया है। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत एक्सेस है तो मैं इसे ज़रा ब्रश से हटा देती हूँ। मुझे कंसीलर इस्तेमाल करना ज़्यादा नहीं पसंद है, इसलिए मैं कंसीलर इस्तेमाल नहीं करती हूँ अभी, बहुत ही कम। तो ये कंसील भी कर देता है, ये आपने देखा कि इससे बहुत फ्लॉलेस लुक मिला है। एंड अगर आप अपनी वेडिंग के लिए कोई अच्छा कॉम्पैक्ट चाहती हैं या हमेशा के लिए भी कोई अच्छा कॉम्पैक्ट चाहती हैं, बजाय 10 कॉम्पैक्ट परचेज़ करने के, छोटे छोटे या सस्ते सस्ते या फिर नहीं उस तरीके के फॉर्मूले वाले, तो आप सिर्फ ये ही परचेज़ कर लीजिए और आपको किसी भी मेकअप बेस की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप इससे आफ्टर मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो आपको लिक्विड फाउंडेशन की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा कवरेज देता है। और मैंने सिर्फ सीसी क्रीम लगाई थी, वो भी बहुत थोड़ी सी, ब्लेंडर की सहायता से। एंड अब आप देख रहे हो कवरेज इसकी। और इसके बाद अगर आप अपना मेकअप करोगे तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है, पूरे डे या पूरी नाइट स्टे करता है। और अगर आपको पसीना भी आता है तो बस हल्का सा आप इसका स्पॉन्ज ले लीजिए एंड उसके बाद आप टचअप कर लीजिए। बस सारे के सारे ब्लैमिशेस को ये कवर करता है। एंड ये अगर मैं बोलूँ कि हर एक सब्सक्राइबर या व्यूअर को मैं ये रेकमेंड करूँगी हाईली, और ये बिल्कुल स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगी कि अगर आपने ये ट्राई नहीं किया है तो आपने कुछ भी ट्राई नहीं किया है मेकअप बेस में। ये मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड आप देख लीजिए एक बार, बिल्कुल इंस्टेंट कवरेज देता है। बिल्कुल इवन लुक, सो बिल्कुल इवन कर दिया है इसने स्किन को। एंड आई रियली लाइक दिस। और अगर, और ये अभी इसलिए थोड़ा सा फ्लैट वाइट वाइट या सफ़ेद हल्का सा इसलिए लग रहा है क्योंकि इस वक्त मैंने अभी और कोई कॉन्टोरिंग या ब्लशिंग या लिपस्टिक हाइलाइटर उस तरीके से कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है और सिंपल आई मेकअप किया है। तो ये प्रोडक्ट आप ज़रूर से ले लीजिए अपने लिए अगर आपने नहीं लिया है तो। और बात करूँ किसी और कॉम्पैक्ट की, बहुत सारे कॉम्पैक्ट हैं मेरे पास, लेकिन मुझे इसके अलावा कुछ समझ नहीं आता। जब मुझे बिना सोचे समझे कुछ लगाना है तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं यही अप्लाई करती हूँ। एंड ये मेरे बैग में रहता है हमेशा, कहीं भी अगर मैं जा रही हूँ, अगर मुझे थोड़ी सी भी कवरेज चाहिए या थोड़ा सा भी स्किन थोड़ी सी अच्छी चाहिए, फ्लॉलेस चाहिए, तो मैं यही अप्लाई करती हूँ। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी मैक स्टूडियो फिक्स पाउडर प्लस फाउंडेशन। एंड इसमें एक दूसरा फाउंडेशन कॉम्पैक्ट भी आता है, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, ये वाला स्टूडियो फिक्स पाउडर प्लस फाउंडेशन। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ इसका डेमो आपको समझ आया होगा। एंड बेस्ट पार्ट कि ये बिल्कुल ऑक्सीडाइज नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है ये ऑक्सीडाइज नहीं होता एंड स्किन में ऐसे ब्लेंड हो जाएगा बिल्कुल परफेक्टली। उसके बाद इसमें ज़रा सा भी मतलब फ्लेकी या केकीनेस नहीं आएगी अगर आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो। और वेडिंग और पार्टीज़ के लिए तो ये प्रोडक्ट एकदम हीरो प्रोडक्ट है, एकदम बेस्ट। तो आप जाकर के मेरे चैनल पर इसका रिव्यू देख लीजिए, वो आई थिंक बिना फेस के था। एंड अगर आपको और प्रोडक्ट्स के डेमो देखने हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं धीरे धीरे सभी प्रोडक्ट्स के डेमो कर दूंगी जिन प्रोडक्ट्स के मैंने पहले रिव्यू किए हैं उनके। और मुझे फेसबुक इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड दिस इज़ वेरी नाइस, और ये ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है, स्पेशली फॉर ऑयली स्किन, क्योंकि ऑयली स्किन, टी जोन एरिया एंड ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए आई थिंक ये पाउडर प्लस फाउंडेशन बेस्ट होता है। और समर्स के लिए लिक्विड फाउंडेशन या स्टिक फाउंडेशन के बजाय आप पाउडर फाउंडेशंस की तरफ जा सकती हैं। थैंक यू सो मच, बाय दोस्तों।